हेलो गाइस, दिस इज़ मोहक इंस्टीट्यूट। अपने आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि हमने लिया है एग्जांपल 3 से, चैप्टर 1, क्लास 9, आरएस अग्रवाल की बुक है फ्रेंड्स, आरएस अग्रवाल, वी अग्रवाल की। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स बुक में गिवन है पेज नंबर 49 में, नंबर सिस्टम चैप्टर 1 से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ पर हमें क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पे गिवन है रूट एक्स की होल पावर -2/3 इंटू में वाई की पावर 4, ये अंडर रूट में है, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में एक्स वाई की पावर -1/2 इंटू अंडर रूट में एक्स की पावर -2 वाई की पावर 3। इसको हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गिवन है एक्स की पावर, सॉरी, अंडर रूट एक्स की पावर -2/3। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1/2। अंडर रूट को हमने रिमूव कर दिया है। जैसा कि हम जानते हैं, जब अंडर रूट में कोई भी वेरिएबल रहता है तो उसकी पावर 1/2 हो जाती है और अंडर रूट रिमूव हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद से -2/3 इसकी पावर है। इसी तरीके से वाई की पावर 4 है, इसको हम होल पावर 1/2 कर देते हैं, अंडर रूट यहाँ भी हमने रिमूव कर दिया है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे भी सेम करेंगे फ्रेंड्स, एक्स वाई की पावर -1/2 है, इसकी होल पावर 1/2 हो जाएगा, इनटू में यहाँ पे भी सेम, एक्स की पावर -2 वाई की पावर 3 है, इसकी होल पावर 1/2 हो गया। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सभी जगह अंडर रूट को रिमूव कर दिया है। आप इसको और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है एज वी नो। यहाँ पे फ्रेंड्स हम आइडेंटिटी जो है हमने यूज़ की, जो उसको हम लिख भी सकते हैं, जैसे कि अंडर रूट ए, इसका क्या हो जाता है, ए की पावर 1/2, ये हमने किया है यहाँ सभी जगह। यहाँ पे अब फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, जैसे ए की पावर एम, ये होल पावर एन है, देन क्या हो जाता है, ए की पावर एम इंटू एन हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर अब क्या होगा, एक्स की पावर 1/2 इंटू -2/3। ओके, ये हो गया एक्स का। वाई, यहाँ पे वाई की पावर 4 है, इनटू में 1/2 हो जाएगा, इसके बाद डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक्स की पावर 1/2 हो गया और इनटू में वाई की पावर -1/2 ऑलरेडी है, इनटू हो जाएगा 1/2, ये हो गया। इसके बाद से फ्रेंड्स ये वाला जो स्टेप है हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स की पावर -2 ऑलरेडी है, इनटू हो जाएगा 1/2 और वाई की पावर 3 ऑलरेडी है, इनटू हो जाएगा 1/2। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमें मिल गया है एक्स की पावर -1/3। यहाँ पे आते हैं, 2 1 2, 2 2 4, देन हमें वाई की पावर 2 मिल गया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक्स की पावर है 1/2 और वाई की पावर फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/4 इंटू में 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमें मिल जाएगा एक्स की पावर -1 और वाई की पावर 3 1 3/2, ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद से इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे पावर एक्स की माइनस में है, हम जानते हैं ए की पावर -1 क्या होता है, 1/a हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, पावर अगर माइनस में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा और पावर प्लस में हो जाती है, सेम यहाँ पे होगा, एक्स का 1/x में हो गया और पावर 1/3 प्लस में हो गई, इनटू में वाई की पावर 2 है यहाँ पे। इसके बाद फ्रेंड डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स की पावर 1/2 है, इनटू में एक्स की पावर -1 है, हमने एक्स वाले टर्म्स एक साथ लिख लिए हैं। यहाँ पर वाई की पावर -1/4 है और यहाँ पर वाई की पावर 3/2 है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 × y² करेंगे, आएगा y² / एक्स की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, हमने इतना सिंप्लीफाई कर लिया है। अब ये वाला टर्म और कर लेते हैं, जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, एज वी नो, जैसे ए की पावर m है, इनटू में ए की पावर n है, देन इस केस में क्या होता है, ए की पावर m प्लस n हो जाता है। ओके, यहाँ पे सेम चीज़ होगी, एक्स की पावर 1/2 प्लस माइनस में 1 हो जाएगा। ओके, और सेम चीज़ यहाँ पे भी हो जाएगी, वाई की पावर -1/4 प्लस 3/2 हो जाएगा, बेस सेम है, पावर प्लस हो गई। इसको सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हम
वाई की पावर टू इन डिवाइडेड बाय एक्स की पावर वन अपॉन थ्री। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे डिवाइड हो गया। यहाँ पे फ्रेंड्स इसको हम साइड में भी ऐसे सॉल्व करके देख सकते हैं, वन अपॉन टू प्लस माइनस माइनस वन, इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम आ जाएगा टू, टू से टू वन जा टू एंड वन वन जा वन, माइनस में टू वन जा टू, देन हमें यहाँ पे क्या मिल गया, वन माइनस टू माइनस वन अपॉन में टू। ओके, एक्स की पावर माइनस वन अपॉन टू मिल गई है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस वन अपॉन फोर प्लस थ्री अपॉन टू, एलसीएम हो जाएगा फोर, फोर वन जा फोर माइनस वन, यहाँ पे सॉल्व करेंगे टू टू ज़ा फोर, थ्री इंटू टू सिक्स, यहाँ पे आ गया फाइव अपॉन में फोर। ओके, वाई की पावर हो गया फाइव अपॉन में फोर, देन फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई अपॉन y की पावर टू अपॉन x की पावर वन अपॉन थ्री इन डिवाइडेड बाय x की पावर माइनस में है, देन x का वन अपॉन x हो गया रेसिप्रोकल, और पावर हो गई वन अपॉन टू प्लस में इनटू में है y की पावर फाइव अपॉन फोर। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर एक्स की पावर वन अपॉन थ्री डिवाइडेड बाय वन इंटू वाई की पावर फाइव अपॉन फोर, क्या जाएगा वाई की पावर फाइव अपॉन फोर और एक्स अपॉन में एक्स की पावर वन अपॉन में टू। ओके फ्रेंड्स, अब हम देख सकते हैं, जैसा कि हम जानते हैं जब ए की पावर एम डिवाइडेड बाय ए की पावर एन होता है तो क्या हो जाता है, ए की पावर एम माइनस एन हो जाता है, डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है अगर बेस सेम हो तो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे सेम चीज़ हो रही है, वाई की पावर टू माइनस फाइव अपॉन फोर हो जाएगा और यहाँ पे अपॉन में एक्स की पावर वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी डिवाइड में। अब इसको फ्रेंड्स हम ऐसे साइड में भी सॉल्व कर सकते हैं, टू माइनस फाइव अपॉन फोर हमें क्या मिलेगा, एलसीएम हो गया फोर, टू टू ज़ा फोर माइनस फाइव, यहाँ पे आ गया माइनस वन अपॉन में फोर, तो हमें यहाँ पे मिल गया वाई की पावर माइनस वन अपॉन में फोर अपॉन में वन अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन टू। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम आया सिक्स, टू वन जा टू एंड थ्री वन जा थ्री, यहाँ पे आ गया माइनस वन अपॉन में सिक्स, एक्स की पावर माइनस वन अपॉन में सिक्स। यहाँ पे फ्रेंड्स हम देख सकते हैं दोनों की पावर माइनस में है तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, वाई का रेसिप्रोकल हो जाएगा वन अपॉन में वाई, इसकी पावर है वन अपॉन फोर इंटू में एक्स का रेसिप्रोकल, यहाँ पे वन अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल क्या हो गया एक्स, इसकी पावर है वन अपॉन में सिक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एक्स की पावर वन अपॉन सिक्स अपॉन में वाई की पावर वन अपॉन फोर। ये फ्रेंड्स हमने इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, यहाँ पे हमारा आंसर आया है x की पावर वन अपॉन सिक्स अपॉन में y की पावर वन अपॉन में फोर। फ्रेंड्स यहाँ पे शायद हमारा थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो रहा है, बुक में आंसर जो दिया हुआ है उसमें है y की पावर में थ्री अपॉन फोर और ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में ही है, तो चलिए इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, टू अपॉन में कुछ नहीं है तो वन ले लेते हैं, फोर और वन कैल्शियम हो गया फोर, यहाँ पे फोर वन जा फोर एंड फोर इंटू टू करेंगे तो आ जाएगा एट, एट में से फाइव गया तो आ जाएगा थ्री जो कि प्लस कराएगा तो थ्री अपॉन फोर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे हमने जो माइनस वन अपॉन फोर लिखा है यहाँ पे आ जाएगा थ्री अपॉन में फोर प्लस का। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वाई की पावर में थ्री अपॉन फोर इंटू एक्स की पावर वन अपॉन सिक्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे वाई की पावर थ्री अपॉन फोर इंटू एक्स की पावर वन अपॉन सिक्स, ये हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर। सॉरी फॉर द मिस्टेक्स फ्रेंड्स,
बट यहाँ पे हमने करेक्ट कर लिया है मिस्टेक को, जो हमने पकड़ लिया है, और इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। कंप्लीट सॉल्यूशन फ्रेंड्स इस तरह से आप एक बार यहाँ पे देख सकते हैं।